जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं स्वामी ऋषि शनिपीठ मंदिर से आप सभी व्यूअर्स का हमारे इस चैनल गुरु रजनीश ऋषि जी के मासिक राशिफल के प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत करता हूं, जहां हम चर्चा करने जा रहे हैं जुलाई 2021 के मासिक राशिफल की। जुलाई 2021 में एक दो नहीं बल्कि चार मुख्य ग्रह राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, जिनका प्रभाव आपके जीवन के हर क्षेत्र पर पड़ने वाला है। फिर चाहे वो आपकी जॉब हो, इनकम हो, भाग्य हो, आपके एजुकेशन हो, आपका स्वास्थ्य हो, फैमिली के साथ रिलेशंस हो, लव लाइफ हो, हर चीज पर आपके जीवन में इनका प्रभाव पड़ने वाला है, जिसकी हम लोग विस्तार से चर्चा आज के इस प्रोग्राम में करने वाले हैं। यहाँ पर मैं आपको एक ऐसा विशेष उपाय भी बताऊंगा जो कि जुलाई 2021 को आपके लिए बेहतरीन महीना साबित कर सकता है। तो आशा करता हूं आप अंत तक हमारे इस प्रोग्राम में बने रहेंगे। जो पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं, उनसे मेरा निवेदन होगा कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का निशान दबाकर, यानी कि घंटी का आइकन दबाकर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब विलंब नहीं करते हैं और प्रारंभ करते हैं जुलाई 2021 के ग्रह गोचर के अध्ययन के साथ। चलिए भक्तगणों, अब हम लोग यहाँ पर काल पुरुष की कुंडली का अध्ययन कर लेते हैं। काल पुरुष की कुंडली में जो पहला भाव होता है वो मेष राशि का भाव होता है। अब मेष राशि का ये जो भाव है, ये इस पूरे महीने मुख्य तौर पर सभी ग्रहों से वंचित रहने वाला है। अब जो द्वितीय भाव है वो है वृषभ राशि का भाव, जिसके मालिक हैं शुक्र देवता। यहाँ पर महीने की शुरुआत में दो मुख्य ग्रह विराजमान हैं, राहु और बुध, जिसमें कि बुध का राशि परिवर्तन 7 जुलाई को हो जाएगा और वो आकर मिथुन राशि में विराजमान हो जाएंगे। अब यहाँ पर राहु देवता जो हैं, वो द्वितीय भाव में इसी प्रकार पूरे महीने विराजमान रहने वाले। अब क्योंकि ये शुक्र का घर है तो यहाँ पर राहु उनके मित्र ही हैं, तो ये एक अच्छी स्थिति ही दिखाई दे रही है। इसके बाद बात करते हैं तृतीय भाव की। तो मैंने बताया कि मिथुन राशि में तो बुध देवता राशि परिवर्तन करके 7 जुलाई को आ ही रहे हैं। यहाँ पर सूर्य देवता महीने की शुरुआत में अपने मित्र के घर में ही विराजमान है, क्योंकि सूर्य और बुध में मित्रता है, तो यहाँ पर ये एक अच्छी स्थिति को ही दर्शाता है। इसमें सूर्य देवता इसी घर में अभी कुछ समय तक विराजमान रहने वाले हैं और वो 16 जुलाई को राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में आकर निवास करने लग जाएंगे। इसके बाद अगर हम लोग कर्क राशि को देखें, यानी कि चतुर्थ भाव को देखें, तो चतुर्थ भाव में यहाँ पर पहले से शुक्र और मंगल ग्रह महीने की शुरुआत से ही विराजमान है। अब इसमें से जो शुक्र हैं वो अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं 17 जुलाई को, वो आकर निवास करने लगेंगे सिंह राशि में, और उनके पीछे पीछे मंगल देवता अपनी नीच राशि कर्क राशि में से निकलकर वो भी आकर सिंह राशि में ही निवास करने लग जाएंगे, जो कि एक बहुत अच्छी खबर है, विशेष तौर पर मेष राशि और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए, जिनकी हम आगे भी चर्चा करेंगे। बस जो यहाँ पर प्रॉब्लम है वो शुक्र देवता के जो राशियाँ हैं, यानी कि तुला राशि हो गई, वृषभ राशि हो गई, उन लोगों के लिए ज़्यादा समस्या है, क्योंकि यहाँ पर शुक्र और मंगल एक साथ चले जा रहे हैं। इसमें शुक्र एक सौम्य ग्रह है, मंगल एक क्रूर ग्रह है, जो कि शुक्र को परेशान करते हैं। चलिए तो यहाँ पर हमने यहाँ पर पंचम भाव को भी देख लिया। बात करते हैं छठे भाव की, जिसके मालिक हैं बुध देवता। तो ये मुख्य ग्रहों से इस समय पर वंचित रहने वाला है। ये जो पूरा भाव है, छठा भाव है कुंडली का, ये इस पूरे महीने मुख्य ग्रहों से वंचित रहने वाला है। इसी प्रकार सप्तम भाव भी, जो कि शुक्र राशि, शुक्र की राशि तुला राशि का भाव है, वो भी मुख्य ग्रहों से इस समय पर वंचित रहने वाला है। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। तो अष्टम भाव में इस समय पर केतु देवता विराजमान है और वो मंगल के घर में विराजमान है, तो यहाँ पर भी कोई विशेष समस्या नहीं। बात करते हैं नवम भाव की। तो नवम भाव में इस समय पर कोई भी मुख्य ग्रह इस पूरे महीने नहीं निवास करने वाला है, ये मुख्य ग्रहों से ये जो भाव है ये खाली रहने वाला है। आगे हम लोग दशम भाव पर पढ़ते हैं। तो दशम भाव में इस समय पर शनिदेव विराजमान है
ये अपना ही घर है उनका, मकर राशि का भाव है अपना घर है, परंतु यहाँ पर शनि वक्र स्थिति में विराजमान है, जो थोड़ी सी अड़चने लेकर आएंगे हर जातक के लिए, हर राशि के जातक के लिए कोई ना कोई अड़चन को वो जरूर लेकर आएंगे, जिसकी हम विस्तार से आगे भी चर्चा करेंगे। अब आगे हम लोग बढ़ जाते हैं कुंभ राशि के भाव में। कुंभ राशि का भाव यानी कि ग्यारहवा भाव, वहाँ पर बृहस्पति देवता विराजमान है, वो भी वक्री स्थिति में है, शनि के घर में है, मित्र नहीं है आपस में, तो इस वजह से वहां पर भी उनको समस्या होती है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं तो बात करते हैं अंतिम भाव की यानी कि बारहवें भाव की। ये मीन राशि का भाव है, ये पूरे महीने मुख्य ग्रहों से वंचित रहने वाला है। तो भक्तगणों, ये था जुलाई 2021 का ग्रह गोचर। अब हम लोग चर्चा करने जाएंगे आपके मासिक राशि की। चलिए भक्तगणों, अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए इनकम की स्थिति जुलाई 2021 में किस प्रकार बनी हुई है। तो यहाँ पर ग्यारहवें भाव का हम लोग अध्ययन करते हैं, साथ ही साथ कुंडली के द्वितीय भाव का भी अध्ययन करते हैं। ग्यारहवें के मालिक है बुध देवता, जो हमें बताता है कि लक्ष्मी माता जी की जो आपके घर में प्रवेश है वो किस प्रकार से हो सकता है। और साथ ही साथ आपकी कुंडली के हम लोग द्वितीय भाव का अध्ययन करते हैं, जो कि बताता है कि लक्ष्मी माता जी आपके घर में कितना स्थिर रहने वाली है। अब यहाँ पर ग्यारहवें भाव का अध्ययन करने के लिए हमें मालिक यानी कि बुध देवता का अध्ययन करना होगा। बुध इस समय पर विराजमान है सप्तम में और 7 जुलाई को अष्टम में विराजमान हो जाएंगे। अष्टम उनका अपना घर है, परंतु अष्टम में बुध अच्छे भी नहीं माने गए हैं। यहाँ पर हम लोग इसको इस तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं कि ससुराल पक्ष के व्यक्ति यानी कि ससुराल पक्ष के रिश्तेदारों से आपको आय के नए स्रोतों के बारे में पता लग सकता है। कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी उनसे बातचीत के दौरान आपके सामने आ सकती है, जिसको एक्सप्लोर करने पर आपके लिए नए इनकम के रास्ते खुल सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर नजर डालते हैं द्वितीय भाव पर। तो द्वितीय भाव से हमें क्या पता लग रहा है कि जो मालिक है बृहस्पति, वो विराजमान है इस समय पर चतुर्थ में। चतुर्थ जो है वो वाहन का आपके द्वारा खरीदी गई या आपके अपनी गाड़ी का, दुपहिया वाहन का, हर प्रकार के वाहन का यहाँ पर हमें पता लगता है, और साथ ही साथ आपके घर के हालातों के बारे में भी हमें पता लगता है। तो ये दर्शा रहे हैं कि एक तो घर के हालात जो हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े से मुश्किल हैं, कहीं ना कहीं वाद विवाद की स्थिति बनी हुई है, जिसकी वजह से आपका जो पैसा है उसमें खर्च हो रहा है, यानी कि परिवार में आपस में वाद विवाद हो सकता है, जिसकी वजह से आपका पैसा गलत डायरेक्शन में जाकर व्यर्थ हो जा रहा है, या फिर माताजी के स्वास्थ्य पर भी इस समय खर्चा अधिक हो सकता है। साथ ही साथ हमें ये भी पता लग रहा है कि घर के रेनोवेशन में आप इस समय पर पैसा खर्च कर सकते हैं, या फिर अपनी गाड़ी के मेंटेनेंस में आपको पैसा खर्च करने की आवश्यकता पड़ सकती है, या नई गाड़ी खरीदने में आप इस समय पर अपने पैसे को खर्च कर सकते हैं। तो ये सभी हमें स्थिति पता लग रही है आपकी नवम घर से। तो आगे हम लोग चर्चा करते हैं कर्मों की। तो कर्मों के लिए हम लोग देखते हैं आपकी कुंडली के दशम भाव को। दशम के मालिक है सूर्य देवता, सूर्य देवता इस समय पर अष्टम में विराजमान, 15 तारीख तक इसी प्रकार अष्टम में विराजमान रहेंगे और फिर नवम में आकर गोचर करने लगे। अब सूर्य देवता अपनी ही राशि यानी कि जो उनका स्थान है वहां से 12वें घर में आकर विराजमान हो गए हैं, परंतु क्योंकि ये आपके लिए भाग्य का भाव है, तो आपके लिए एक शुभ स्थिति को दर्शाता है कि आप अपने आप को वर्क प्लेस पर लकी महसूस कर सकते हैं। तो ये स्थिति हमें यहाँ पर समझ में आ रही है कि वर्क प्लेस पर ऐसी घटनाएं होंगी, ऐसे वाक्या होंगे, ऐसे इंसिडेंट्स होंगे जिनमें आपका लक आपका साथ दे सकता है। तो कर्मों की दृष्टि से एक अच्छा समय है, यहाँ पर नए इंटरव्यू मिलने के चांसेस यानी कि नई जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आ सकती हैं, या अगर आप व्यापार करते हैं तो व्यापार के विस्तार के नए नए आइडियाज आपके मन में आ सकते हैं, यानी कि अपने व्यापार को आप कैसे एक्सपैंड कर सकते हैं, अपने बिजनेस को कैसे बढ़ा सकते हैं, इस प्रकार के आइडियाज आपके मन में इस समय पर आ सकते हैं। इस संदर्भ में आप यात्राएं भी कर सकते हैं जो आपके लिए फ्रूटफुल साबित हो।
चलिए भक्तगणों, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बात करते हैं कि भाग्य की दृष्टि से आपके लिए समय किस प्रकार रहने वाला है। भाग्य की दृष्टि से हम लोग हमेशा आपकी कुंडली के नवम भाव का अध्ययन करते हैं। मालिक है चंद्रमा और यहाँ पर विराजमान है शुक्र और मंगल, जिसमें विशेष तौर पर मंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। मंगल यहाँ पर नीच स्थिति में विराजमान है, जो कि आपके भाग्य को थोड़ा परेशान करते हैं, थोड़ी चीजों को मुश्किल बनाते हैं। जहां पर सूर्य की वजह से थोड़ा कर्मों में आपको फायदा मिल रहा था, वहीं पर मंगल की वजह से ओवरऑल नुकसान होने की संभावना ज्यादा दिखाई दे रही है, अगर आप अपने भाग्य पर भरोसा अधिक करते हैं। तो अपने भाग्य पर कॉन्फिडेंट होके यदि आप इस समय पर इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं तो वो आपके लिए शुभ नहीं होंगी। यात्राओं में आप करना तो चाहेंगे परंतु खलल पड़ सकता है, प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो आप में से कई सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि इस प्रकार तो भाग्य यदि समय समय पर ग्रहों के अशुभ गोचर के कारण अगर आपका साथ नहीं देगा तो जीवन में एक स्थिरता कैसे बनेगी, कंटिन्यूटी कैसे बनेगी, इस प्रकार तो बार बार समस्याएं आपको घेरेंगी। तो आपका ये सोचना बिल्कुल वाजिब है कि ग्रहों की स्थितियों के आधार पर ही यदि आप अपने जीवन बिताने का प्रयास करेंगे तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा अगर ग्रह स्थिति आपके विपरीत हो जाती है। तो इससे बचने का सबसे सरल, सबसे आसान, सबसे असरदार उपाय यही है कि आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन किसी योग्य ज्योतिष से करें। ऐसे ही हमारे सिद्ध शनि मंदिर में जो गुरु रजनी शशि जी हैं, उनको 30 वर्षों का ज्योतिष का अनुभव है और वो कुंडली का अध्ययन करके आप जैसे भक्तगणों की मदद कर सकते हैं। इसी प्रकार गुरु माँ रुक्मणी जी और मैं, यानी कि स्वामी राजर्षि जी भी आपकी कुंडली का अध्ययन करते हैं और आपको वैदिक ज्योतिष के उपाय बताते हैं, जिनसे आप भाग्य में, कर्म में, इनकम में, घर में होने वाले झगड़ों से या फिर पढ़ाई में आप फायदा उठा सकते हैं। इन सभी समस्याओं में हम आपकी सहायता कर सकते हैं। तो अब बस संकोच आपको नहीं करना है और स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर एक बार हमसे संपर्क जरूर साधें, हमसे मिलने का समय प्राप्त करें और अपनी कुंडली का अध्ययन करवाकर अपने जीवन में बदलाव लेकर आए। ऐसे ही एक भक्तगण से मैं आज आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं, जो हमारे सिद्ध शनि मंदिर में आप ही की भांति हमारे YouTube चैनल को देखकर जुड़े थे और उसके बाद उन्होंने अपनी कुंडली का अध्ययन हमसे करवाया और हमारे द्वारा बताए गए ज्योतिष उपायों को अपने जीवन में अपनाया और बदलाव महसूस किए। आइए उन्हीं से उनका अनुभव हम लोग सुनते हैं। मैं राम नरेश यादव, राजस्थान जिला सीकर का रहने वाला हूँ। मैंने गुरु राजनेश ऋषि जी से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेके बात की, जिससे इन्होंने मेरे को सुझाव दिया और एक लॉकेट, नवग्रह और दो अंगूठियाँ मेरे पास इन्होंने भेजी। इन्होंने जैसे मेरे को बताया उसी के अनुरूप मेरे को बहुत अच्छा फ़ायदा मिला और अभी भी मेरे को फ़ायदा मिलता ही जा रहा है। मैं आप सभी से यही राय दूंगा कि आप एक बार गुरुजी रजनीश ऋषि से शनि मंदिर मिलकर इनसे लाभ लेंगे। जय शनिदेव। बहुत बहुत गुरुजी का धन्यवाद जो इन्होंने मेरे को मार्गदर्शन दिखाया। चलिए भक्तगणों, अब हम लोग चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। बात करते हैं कि जीवन साथी के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ, फ्रेंड्स के साथ इस समय पर संबंध किस प्रकार रहने वाले। जब कभी ये अध्ययन करेंगे तो कुंडली के सप्तम भाव पर हम लोग नजर डालेंगे और सप्तम के स्वामी हैं यहाँ पर शुक्र देवता, राहु देवता यहाँ पर विराजमान है, केतु देवता पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं और शुक्र देवता मंगल देवता के साथ विराजमान है भाग्य के भाव में। ये क्या दर्शा रहा है कि मंगल की वजह से शुक्र पीड़ित हैं, जो कि दर्शाता है कि कहीं ना कहीं लाइफ पार्टनर के साथ कोई ना कोई अड़चन तो आएगी ही आएगी, बिजनेस पार्टनर के साथ भी बात बात पर विवाद होने की संभावनाएं हैं, वहीं पर फ्रेंड्स के साथ भी छोटी मोटी नोकझोंक इस समय पर चल सकती है। पर क्योंकि शुक्र भाग्य के भाव में विराजमान है तो कुछ अच्छा असर भी आपको दिखाएंगे, यानी कि दर्शा रहे हैं कि जीवन साथी का साथ, लाइफ पार्टनर का साथ या फिर फ्रेंड्स का साथ या बिजनेस पार्टनर का साथ आपके लिए लकी है। वो आपको आपके भाग्य के लिए बहुत शुभ सूचक बनेंगे और साथ ही साथ आपकी इस प्रकार भी मदद करेंगे कि जब
शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे 17 मार्च को, तो जीवन साथी ही कहीं या फिर लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर या फिर फ्रेंड्स कुछ नई अपॉर्चुनिटीज आपको दिखाएंगे काम की दृष्टि से, जो आपके लिए लॉन्ग टर्म में लाभकारी सिद्ध हो सकती है। चलिए वक्रों चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं, बात करते हैं कि स्वास्थ्य की दृष्टि से आपके लिए जो समय है जुलाई 2021 का, वो किस प्रकार रहने वाला है। जब कभी स्वास्थ्य की चर्चा करेंगे तो लग्न भाव का अध्ययन करते हैं। लग्न के स्वामी मंगल भाग्य में इस समय पर विराजमान है, नीच स्थिति में है, तो 20 तारीख तक तो कहीं ना कहीं परेशानियां आएंगी ही आएंगी स्वास्थ्य में, क्योंकि नीच स्थिति में है तो मंगल बहुत कमजोर है इस समय पर, आपको बीमारियों से आपकी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, उल्टा कुछ बीमारियां वो क्रिएट ही कर सकते हैं आपके लिए। तो इस समय पर लाइफस्टाइल का बहुत ज़्यादा ख्याल आपको रखने की आवश्यकता है, अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखना है, अपने स्वास्थ्य पर आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। और फिर भी यदि आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि स्वास्थ्य आपका बार बार आपको परेशान कर रहा है, डॉक्टरों को दिखाने के बाद भी इलाज प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो एक बार आप अपना रुझान जो है वो ज्योतिष के उपायों की ओर भी बढ़ाएं, उनको भी अपना कर देखें। आप इतने पैसे पहले ही डॉक्टरों पर खर्च कर चुके हैं, तो एक बार क्यों ना आप वैदिक ज्योतिष के उपायों को अपना कर देखें। आपके लग्न के स्वामी जो हैं वो आपके स्वास्थ्य की चाबी है, अगर वो मजबूत है तो आप मजबूत हैं, वो कमजोर हैं तो आप भी कमजोर हैं। उनको मजबूत करने के, यानी कि अपने लग्न के स्वामी को मजबूत करने के वैदिक ज्योतिष उपाय आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए आपको बस हमसे स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर संपर्क करने की आवश्यकता है। हम जरूर आपको ऐसे उपाय देंगे जिनसे यदि आपका स्वास्थ्य समय समय पर खराब रहता है, जिसकी वजह से काम में मन नहीं लग पा रहा है या जीवन व्यापन में ही अड़चनें आ रही हैं, तो ये अड़चनें आपकी चुटकी बजाकर दूर हो सकती हैं। वैदिक ज्योतिष के उपायों को यदि आप श्रद्धा भाव से अपने जीवन में अपनाते हैं, तो हमारे जो ऋषि मुनि जिन्होंने वर्षों की तपस्या के बाद ये वैदिक ज्योतिष के फॉर्मूले निकाले थे, उनकी तपस्या का आप भी आज यहाँ पर लाभ उठा सकते हैं। इस हिंदू सनातन धर्म से जुड़ा हर व्यक्ति वैदिक ज्योतिष के इन उपायों को अपनाकर अपने जीवन में बदलाव महसूस कर सकता है। बस आवश्यकता है कि उस संकोच को आप दूर करें और स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर एक बार संपर्क करके गुरु रजनीश ऋषि जी, गुरु माँ रुक्मणी जी या मुझसे यानी कि स्वामी ऋषि जी से अपनी कुंडली का अध्ययन करवाने का समय प्राप्त करें। चलिए भक्तगणों, अंत में चर्चा करने जा रहा हूं कि यहां पर स्टूडेंट्स के लिए समय किस प्रकार रहने वाला है जुलाई 2021। तो स्टूडेंट्स की जब कभी हम चर्चा करेंगे, उनकी पढ़ाई की जब कभी चर्चा करेंगे, तो कुंडली के पंचम भाव का अध्ययन करेंगे। पंचम के स्वामी कौन है आप लोगों के लिए है, वो है बृहस्पति देवता। कहां विराजमान है? चतुर्थ भाव में। कैसे विराजमान है? वक्री अवस्था में। क्या दर्शाते हैं? यही कि घर में अशांत वातावरण होने की वजह से स्टूडेंट्स पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। वो घर में हो रहे वाद विवाद की वजह से चिंतित हैं, मानसिक पीड़ा से ग्रसित हैं, पढ़ाई में उनका कंसंट्रेशन इस समय पर बहुत कम हो गया है, न्यूनतम पर है, जिसके लिए आवश्यक है कि माता पिता अपने बीच में आ रहे वाद विवाद को या फिर फैमिली में आ रहे वाद विवाद को बच्चों से दूर रखें। ये उनकी पढ़ाई पर बुरा असर डाल रहा है। स्टूडेंट्स को भी जरूरत है कि थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो उस समय पर जब फैमिली में वाद विवाद हो रहा है, ये समझने का प्रयास करें कि ये एक टेम्पररी चीज है। थोड़ा समय अच्छा होगा तो जरूर घर का वातावरण भी आपका शांत हो जाएगा। तो ज्यादा परेशान ना हो, पढ़ाई पर फोकस करें। आपके सामने आपका पूरा जीवन पड़ा है और जीवन में ऐसी छोटी छोटी घटनाएं हो जाती हैं, संघर्ष तो आते ही हैं। आपको अपना दृढ़ संकल्प करके इन संघर्ष से पार पाना है और अपनी पढ़ाई में कंसंट्रेट करके अपने जीवन में आपको आगे ही आगे बढ़ते जाना है। इस समय पर एक और बात जो मैं कहना चाहूंगा स्टूडेंट्स को, कि अपनी पढ़ाई को लेकर कोई इंपॉर्टेंट फैसला आप इस समय पर ना करें। थोड़ा समय अभी आप रुक जाएं, उसके बाद ही पढ़ाई को लेकर, स्पेशली वो लोग जो हायर स्टडीज के लिए सोच रहे हैं, उनको थोड़ा समय अभी देना चाहिए, थोड़ा समय का शुभ होने का वेट करना चाहिए।
चलिए भक्तगणों, अब अंत में आपको मैं वो उपाय बताने जा रहा हूँ जिसका इस्तेमाल करके आप जुलाई 2021 में आ रही परेशानियों को दूर कर सकते हैं, उनसे आप निजात पा सकते हैं। तो जुलाई 2021 में विशेष तौर पर मंगल आपको परेशान कर रहे हैं। मंगल नीच अवस्था में है, 20 जुलाई तक आपके लोग अड़चनों को वो उत्पन्न कर रहे हैं। तो मंगल से संबंधित उपाय यदि आप अपनाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको उसका फायदा हासिल होगा। तो मंगल से संबंधित आप सबसे सरल और आसान उपाय क्या कर सकते हैं, आप मंगल देवता को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी की उपासना करें। जो भी व्यक्ति हनुमान जी की उपासना करेगा उस पर मंगल देव की कृपा अवश्य बनी रहेगी। हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी का टीका अपने माथे पर लगाएं, ऑरेंज या फिर रेड कलर के, हल्के रेड कलर के कपड़ों को आप धारण करें, निश्चित तौर पर आपको उससे फायदा अवश्य होगा। तो चलिए भक्तगणों, ये तो चर्चा हमने की आपके मासिक राशिफल की। आशा करता हूँ आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन भी आप प्रेस कर दें, और इसी प्रकार हमसे समय समय पर जुड़ते रहें, वैदिक सनातन धर्म की बातों को आप हमारे इस चैनल के माध्यम से ग्रहण कर सकते हैं, हिंदू सनातन धर्म के ज्ञान को आप ग्रहण कर सकते हैं इस चैनल से। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके फॉलो जरूर करें, हमारी हर वीडियो को जरूर देखा करें, आपके लिए उसमें कोई ना कोई उपाय हर दिन छुपा होगा। हमारे चैनल पर हम लोग डेली राशिफल भी देते हैं, गुरु रजनीश ऋषि जी, उनके राशिफल को आप देखा करें, वो आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने दिन को बेहतर तरीके से प्लान कर सकते हैं। तो भक्तगणों, इसी प्रकार इसी आशा के साथ कि आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहेंगे, साथ ही साथ भगवान की जो कृपा है वो भी हिंदू सनातन धर्म में विश्वास करने वाले हर व्यक्ति पर बनी रहेगी। मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ, अब मुलाकात होगी आपसे अगले महीने, तब तक के लिए जय शनिदेव।